नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। नौगांव में कांग्रेस नेता और उपाध्यक्ष नीरज दीक्षित द्वारा गांवों का भ्रमण किया गया। किसान मजदूर यात्रा निकाली गई और यात्रा के समापन पर सारे लोग तहसील पहुंचे, जहां तहसील का घेराव किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी और किसान भी शामिल रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन भी इस मौके पर यहाँ पहुंचे और किसानों और मजदूर पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज मुखर की। इस पूरी यात्रा में 110 गांवों से लगभग 600 किलोमीटर की दूरी की गई और सभी किसानों मजदूरों को भाजपा के अत्याचारों और उनकी नीतियों के बारे में बताया गया कि किस तरीके से किसान मजदूर प्रताड़ित है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के युवा नेता और नौगांव जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष नीरज दीक्षित जी। जानते हैं उनसे उस यात्रा के संबंध में कि जो ये यात्रा कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर उनकी यात्रा है। तो नीरज जी बताइए, आप जो इस यात्रा पर निकले हुए हैं वो किन मुद्दों को लेकर है? किसानों का कर्जा माफ़ हो, हर पंचायतों में मजदूरी काम चालू किए जाएँ, पानी की समस्या दूर की जाए, हर 5 पंचायतों में गौशाला खोली जाए, विधवा एवं वृद्ध लोगों को पेंशन मिले, इस संबंध में हम निकले हैं। क्या ये आपकी जो यात्रा है, इस यात्रा को आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा सकता है क्या? जी, किसानों के लिए यात्रा और मजदूरों के लिए निकाली जा रही है। आज हर किसान परेशान है, हर मजदूर परेशान है, उनके लिए यात्रा निकाली जा रही है और उनकी परेशानियों को लेके हम तहसील का घेराव करने के लिए जा रहे हैं। अगर आगामी विधानसभा में कांग्रेस पार्टी आपको महाराष्ट्र विधानसभा से प्रत्याशी बनाती है तो क्या आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं या अभी प्रत्याशी की तो कोई बात ही नहीं है? हम अपनी किसान और मजदूर और अपने युवा भाइयों के लिए निकले हैं, उनके काम कराने के लिए जो आज परेशानी से जूझ रहे हैं। जैसा पार्टी का निर्णय होगा उसमें हम साथ रहेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से नौगांव जनपद के जो उपाध्यक्ष नीरज दीक्षित वो किसानों के हित को लेकर, यहाँ के जो विधानसभा के नागरिकों के हित को लेकर आज मैदान में उतरे हैं, जो कि 102 गांव की यात्रा कर रहे हैं और आज इनका बृहद तहसील स्तर का जो घेराव है वो करने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के बैनर तले। नौगांव से कैमरा पर्सन जितेन शर्मा के साथ मैं कपिल मिश्रा, पैट्रिक टाइम नौगांव। खबर दिनभर में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। अगर किसी को भी 2 हफ्तों से अधिक खांसी हो, बलगम में खून आता हो, सांस लेने में तकलीफ हो, लगातार बुखार हो या फिर वजन लगातार कम हो रहा हो, अगर इनमें से कोई भी तकलीफ है तो तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में अपने बलगम की जांच कराएं। टीबी की जांच और इलाज पूर्णतः मुफ्त है। अक्षय परियोजना VI छतरपुर के सौजन्य और जिला क्षय केंद्र छतरपुर के सहयोग से प्रसारित। शिक्षा को मिशन की तरह आगे बढ़ा रहा है ड्रीमलैंड इंग्लिश स्कूल, वेयर यू कैन फाइंड ओल्ड एंड एक्सपीरियंस टीचिंग स्टाफ फार फ्रॉम रसी एंड पॉल्यूटेड एरिया, पीसफुल एनवायरनमेंट, स्पेसियस क्लासरूम्स, मॉडर्न एंड लार्ज लाइब्रेरी, कंप्यूटर एंड साइंस लैब्स, म्यूजिक, डांस, स्पोर्ट्स, योगा एंड अदर एक्टिविटी क्लासेस। प्रवेश के लिए संपर्क करें काली देवी मंदिर तिराहा, महोबा रोड, छतरपुर, सिटी ब्रांच, राजमहल परिसर, छतरपुर।